This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shine Group of Institutions, Biggies, Burger & More, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School and by Asian Mall. तो हमें वजूम है, लेकिन आज एक वजूम नहीं, हमको एक कौम बनना है। सिर्फ वजूम से कुछ नहीं होता, हमको एक कौम बनना है। क्योंकि हम जब कौम ही थे, जिस वक्त हमने गोरों को यहाँ से हटाया था, जब एक पूरी कौम थी, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या जो कुछ भी हो, वो पूरे सारे मिलकर हम एक कौम थे जिसके तरफ से हमने लड़ा था हमारे हक के लिए, और जो है सारे लोगों को उनकी हुकूमत को हटाकर हमने हमारी हुकूमत बिठाई। ये कौम की ताकत होती है। अमित शाह बोल रहा है पार्लियामेंट में, मैंने हाल ही में सुना है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कि हम मुसलमान तुझसे डरेंगे हम मुसलमान। अरे हम वो मुसलमान हैं जो हर मुसलमान, हमारी ख्वाहिश, हमारा दीन ये बोलता है कि हम अली के तरह जीते हैं और हुसैन की तरह मरने की ख्वाहिश रखते हैं। हम तेरे जैसे कल के आए हुए टुच्चों से डरेंगे। अगर हम अपने पे आए तो जिस तरीके से हमने पहले किसी और को हटा कर तुझको बिठाया था, तेरे जैसे और 10 को बिठाएंगे तुझको हटा कर। चौकीदार बोलते हैं फिर अपने आप को। ये पहली बार देखा हूँ चौकीदार जो अपने मालिक को पूछता है, ये घर तुम्हारा है या शहर के तुम है या नहीं, ये साबित करो। और तू चौकीदार है तो तू चौकीदारी का काम कर, तू मालिक की बराबरी ना कर। तुझको हमने बनाया है, तू हमको लाइनों में थराता है, तू नोटबंदी करके लाइन में थराया, अब तू NRC की तरफ से हमको लाइन में थराएगा। शेर बोलना चाहूंगा, पर्दा तो इस जहां से कर जाते हैं लेकिन हक पे जान देने वाले मरते ही कहां हैं। और बढ़ बढ़ के चूम लेते हैं कुछ जामे शहादत, ईमान वाले मौत से डरते ही कहां हैं। जो बताया गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हजरात इधर आ गए, हालात की खराबी की वजह से, कुछ वहां पर जंगों की वजह से या कुछ आपसी खलफशार की वजह से, उसके बाद ये बहाना लेकर यहाँ की अकलियतों पर शबखून मारा गया। एक नया दरवाजा NRC खोला गया 1857 से, एक तहरीके इनकलाब रूनमा हुई जिस झंडे को लेकर अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुफ्ती किफायत, मुफ्ती शौकत, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शौकत अली, बड़े बड़े अकाबर 1857 में ये मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क की हुर्रियत के लिए, मुल्क की शान के लिए, जो ब्रिटेन की हुकूमत मन के काले तन के गोरे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारे हिंदुस्तान को नोच रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर नफरतें फैला रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर अदावतें डाल रहे थे। 1857 में आलम इंकलाब बुलंद हुआ, हमारे बाप दादाओं ने इंकलाब का नारा लगाकर हिंदुस्तान को बचाया, गोरों को निकाल दिया। जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, सिख मुसलमान को लड़ाया जाए, ईसाई मुसलमान को लड़ाया जाए, या आपस में लड़ाया जाए और हुकूमत की जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा कल गोरों से लड़े थे और आज हम चोरों से लड़ेंगे। पहली बात, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बस बड़े बड़े प्रोग्राम देखते हैं। जितने बड़े लोग होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक कितनी है,
उसके बाद देखते हैं वहाँ बोलने वाला कौन है, उसके बाद देखते हैं कि मुझे वहाँ जाना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी है। लेकिन हमारे इस बाबा की बहुत तारीफ हमको करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं देखा कि पब्लिक कितनी है, ये नहीं देखा कि स्टेज पे कौन आने वाले हैं, बल्कि आप लोगों की मोहब्बत देखकर यहाँ तशरीफ लाए। सखमुल इस्लाम साहब की कोशिश यही रही कि जितने भी फिरके या जितने भी जमात हैं पूरों को एक स्टेज पर लाने की उनकी मुसलसिल 1972 से कोशिश रही है। आज उन्हीं की कोशिशों से और उनकी जो मेहनत थी उनकी वजह से आज गुलबर्गा में भी एक आलीशान जलसा 21 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के लीडरान जो है शिरकत करेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप लोग कमर कस लीजिए, ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है, हमें लड़ना है जब तक ये बिल वापस नहीं लेते। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आप लोग समझेंगे भाई मैंने गया तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोग ऐसा मत समझिए, हमें एकजुट होकर लड़ना है, हम सब एकजुट होकर लड़ना है। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदू मुसलमान दलित सबकी लड़ाई है, सब जनों को लाइन में ठहरना पड़ेगा फिर से। और ये जो लेडीज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकले हैं इसका जरूर इसका असर होगा, और जो शाहीन बाग में जो लेडीज बैठे हुए हैं तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया, वो लोगों को इतनी सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेके रात दिन बैठे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी ये सोचा है कि 18 तारीख को लेडीज का एक सत्याग्रह जगत पे रखेंगे, सुबह 10:30 बजे से लेके दूसरे दिन रात में 2-3 बजे तक रखेंगे उसको। 21 तारीख के फंक्शन में तो खड़गे साहब और काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, और वो प्रोग्राम 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगा। तो आप लोगों से ये अपील करती हूँ मैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हों, वो प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने इत्तेहाद का सबूत दें, इंशाल्लाह ताला हम सब कामयाब होंगे। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shine Group of Institutions, Biggies, Burger and More, Nissan Fabrics Clothes Store, Shraddha Dentistry, MAMPU College, Orbis International School and by Asian Mall.